नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा पूरे देश भर में चल रही है, वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा गंभीरता के साथ की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में पदार्पण करें और बिहार के लोगों ने इसके लिए खुशी जाहिर की है। हालांकि इन सब बातों के में अभी काफ़ी देर है और नीतीश कुमार ने ऐसी कोई बातों से अभी तक हामी नहीं भरी है, इनकार ही किया है, जबकि उन्हें कभी राष्ट्रपति बनाने की और कभी प्रधानमंत्री बनाने की और उम्मीदवारी की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक तैयारी भी चल रही है, लेकिन इस बीच में जो बातें सामने आई हैं और यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह से रसिया ने हमला किया है यूक्रेन पर, उसके बाद से जो देश और दुनिया में स्थितियाँ पैदा हुई हैं, जिसमें खास करके कहा जाए तो भारतीय जो छात्र हैं वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, अब तक 18,000 भारतीय यूक्रेन से स्वदेश पहुँचे हैं और ये संख्या बताया जा रहा है कि करीब 40,00,000 के आसपास है। और इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह के संकट बने हुए हैं दुनिया में, उसको लेकर के भी अब काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ ये चर्चा चल रही है कि भारत की जो वैश्विक कूटनीति है वो क्या है और किस तरह से भारत अपना स्टैंड क्लियर करेगा, हालांकि हमने आपको बताया था कि आने वाले समय को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, 2024 को लेकर के चुनावी तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं और लगभग हो ही चुकी हैं। कहा यह जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सीधी लड़ाई 2024 की लड़ी जाएगी और उसके लिए दोनों ही खेमे, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और NDA तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ UPA जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है और नीतीश कुमार ने सदन में बजट सत्र के दौरान अपनी बात को रखते हुए बहुत सारी बातें कही हैं, जिसका सीधा संकेत है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के नीतियों से संतुष्ट नहीं है। एक तरफ जहां बार बार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार से उठी जातीय जनगणना की मांग को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है, हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि जितना विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य को दिया जाता है उससे ज़रा भी कम बिहार को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस सर्वे में जो बातें सामने आई थी, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने अपना मुंह खोला था और स्पष्ट तरीके से बताया था कि जब केंद्र के सर्वे रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी राज्यों में है, जबकि हम अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हैं, जो हम योजनाएं बनाते हैं उस पर पूरी तरह से अमल भी करते हैं, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम पूरा सदुपयोग करते हुए बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने का काम कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम पिछड़ जा रहे हैं तो हमें सहयोग की ज़रूरत है और ये सहयोग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को करना होगा और केंद्र सरकार को इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। ये सारी बातें नीतीश कुमार कह चुके हैं और इसके मामले पर दोनों में काफ़ी तल्खियां भी पड़ी थी, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो बिहार में भी हैं वो भी और केंद्र में के नेता तो कह ही रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं की ज़रूरत नहीं है, बिहार को विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और आने वाले समय में ये संदेश इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अपनी सोच ले करके जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो बातें कल सदन में हुई उन बातों से बहुत कुछ स्पष्ट है, हालांकि सदन के बाहर भी नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यूक्रेन से बिहार के बच्चे या इस देश के बच्चे आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उन्हें रिसीव करने जाते हैं, इन सारी बातों को लेकर के कई ऐसे बच्चे जो हैं वो वहाँ जा कर के बुरी तरह से फंसे भी हुए हैं और उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तरीके से कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर गौर करने की ज़रूरत है और करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के बच्चे बाहर न जाएं। नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि केवल बिहार के ही नहीं, कई अमीर राज्यों के विद्यार्थी भी यूक्रेन में हैं। उनके इन दोनों शब्दों पर बड़ी गौर करने वाली बात है, उन्होंने कहा है कि कई अमीर राज्यों के विद्यार्थी भी यूक्रेन में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जिस तरह से मेडिकल की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को यूक्रेन जाना पड़ रहा है,
इसे नहीं जाने देने की जो व्यवस्था है हमें करनी चाहिए, इस पर हमें सोचना होगा वहाँ क्या है ऐसा जिसके चलते बच्चे जाते हैं, और इसे हमें देखना भी होगा कि हम किस तरह से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। बिहार जाने, बिहार के बच्चों को और देश के बच्चों को बाहर नहीं जाने की नौबत आए, इसके लिए हमें और सरकार को सोचना होगा। विधानसभा में इस बात पर आए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसके जवाब में नीतीश कुमार ने उठकर मुख्यमंत्री के कुर्सी से सीधी तौर पे ये बातें कही, और उन्होंने कहा कि इसके बाबत आए जिस तरह के हमारे लोगों की बातें हैं, जो सदन में बातें की जा रही हैं, अपने सहयोगियों की भी बात है और विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, उस पर उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा इस समस्या का पर राष्ट्रीय स्तर पर गौर करने की ज़रूरत है। केवल बिहार के विद्यार्थी ही मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन नहीं जाते, बल्कि कई अमीर राज्यों के विद्यार्थी भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों को तो बहुत ही बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, और बहुत बाद में पता चला कि इतनी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई के लिए लोग वहां गए हुए हैं। नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा कि निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को इस बात का आंकड़ा हुआ है, तो उन्हें इस बात का सोचना जरूर चाहिए था, क्योंकि हमें तो बाद में पता चला पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों के बच्चे रूस जाते थे, यूक्रेन पहले रूस का हिस्सा था। यह बात कही जा रही है कि यूक्रेन में पढ़ाई का कम पैसा लगता है, जिसके चलते वहाँ बच्चे जा रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में अपना जो विचार है वो रखना शुरू कर दिया है। इस सारी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए अपनी तैयारियाँ करेंगे। उनके इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी कर्पूरी छात्रावास हैं उनका संचालन एकदम ठीक तरीके से हो रहा है, नामांकन भी माहौल के अनुसार हो रहा है, मैंने खुद जाकर इन चीज़ों को देखा है। उन्होंने कहा है कि बिहार हमेशा अव्वल रहा है, अग्रणी रहा है, और चीज़ों को बिहार अपने हिसाब से रखता है, जिसका समय समय पर कहीं ना कहीं केंद्र भी पालन करता रहा है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, और इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो केंद्र ही कर सकता है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बातें मेडिकल को लेकर के कही। उन्होंने कहा है कि हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए और होगी, उसके लिए फीस भी आधी होगी। इसके लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री के बयान को काफ़ी तरजीह दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस आधी करने की बात कही है, साथ ही कहा है कि गरीब का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बना सकते हैं। पीएम की यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतीय छात्र वहां फंस गए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने एक बयान जारी किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार की बात केंद्र तक पहुँच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब केंद्र को ये बात पता था कि यूक्रेन में और दूसरे दूसरे देशों में बिहार के इतने सारे अधिक संख्या में बच्चे जाते हैं, तो देश में उनके पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? जबकि आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत बड़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से ये संकट पैदा हो गया है, उसमें हजारों हजार बच्चे जो फंसे हुए हैं, यूक्रेन और रूस के संपर्क में भारत है, लेकिन इन सब के बावजूद छात्र और उनके अभिभावक की परेशानी को देखते हुए नीतीश कुमार का ये बयान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार ने ऐसे समय में बयान दिया है जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए बार बार कहा जा रहा है, और उनकी पार्टी से लेकर के अन्य राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं केंद्र की राजनीति में। आपको बता दें कि 2024 के तैयारी से पहले नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह से दिलचस्पी लेना बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। जहां एक तरफ
देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने व्याख्या की है वो भी काफ़ी गौर करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का जो एनडीए में संबंध है वो पूरी तरह से वक्ती तौर पर और सरकार बनाए रखने के लिए बिहार के विकास के लिए है, लेकिन क्या इन मापदंडों को पूरा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने एक संदेश फिर से दिया है। हालांकि कई बार संदेश दे रहे हैं, दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से संदेश देते हैं, और बिहार में भी इस राष्ट्रीय संकट को देखते हुए नीतीश कुमार का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।